जो विपक्ष वाले हैं बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि घोटाला हुआ है, जो वादे करके आए थे 5 लाख नौकरियां देने का युवाओं को, वो नहीं मिला है, तो इसको कैसे देखें? झारखंड में हम लोग का सरकार बन रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और लगातार विधानसभा में हम लोग चुनाव भी जीत रहे हैं, और ये जो हेमंत का जो सरकार है ये गरीबों और अतीमों का सरकार है, समझे ना, ये शोषणकारी का सरकार नहीं है, और जो भी काम करे गरीब के लिए काम है। बताइए कि 3 साल कोरोना रहा, 3 साल कोरोना रहा, 6 महीना उन्होंने जेल में ठूस दिया गया, लेकिन फिर भी 1.5 साल के अंतराल में उन्होंने इतना तेज गति काम करने का प्रयास किया, देखने का बात है भैया। माया योजना लाए, 50 लाख महिलाओं को उन्होंने हर एक के खाता में पैसा जा रहा है, 200 यूनिट बिजली फ्री, हर एक महिला जितना भी लोन पैसा लिए हैं 2 लाख तक, वो सारे के सारे माफ, और अभी कैबिनेट में बहुत सारा कैबिनेट पास हुआ है जो देखो, वो दीदी का फार्म बना चला रहा है ना, उसमें आधार कार्ड का कॉलम है ना, उसमें बैंक अकाउंट का 10% मैं कह रहा हूँ कि हमारा पार्टी विजय भवा, मेरा नाम महेंद्र हुआ, मैं अमरवाड़ी पंचायत बारी प्रखंड से हूँ, एकदम विजय भवा, इसमें कोई किसी तरह किंतु परंतु नहीं, मैं फिक्स कर दिया नहीं हुआ अभी तक जी, नहीं एकदम कर दिए, फुल फाइनल एकदम कन्फर्म है भैया, जिंदाबाद। नहीं है, जनता जानती है कि कौन सी सरकार में हमें भला है किसमें बुरा है, सिर्फ वोट लेने के लिए बनाया गया है, सिर्फ झांसे में फंसाने के लिए बनाया गया है, बड़े बड़े बन रहा है इस क्षेत्र में, लातेहार विधानसभा में अभी वर्तमान के जो प्रत्याशी है यहाँ जेएमएम से बैनाथ राम है, प्रकाश राम है बीजेपी से, किनका हवा चल रहा है ज्यादा? हवा देखिए यहाँ गठबंधन का चल रहा है, और पुनः हम लोग जीतेंगे और सरकार पूरा बनेगी, इसमें कहीं कोई डॉट नहीं है, इसलिए सरकार जनता सब जानती है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता जानती है कि कौन सी सरकार में हमें भला है किसमें बुरा है, जो अभी जनता का जो भला हुआ है, मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफी, किसानों का लोन माफी, ठीक है 200 यूनिट बिजली फ्री, अबुआ आवास, तो जनता दिल में बसा ली है। आप जेएमएम जो मैया सम्मान योजना बन रहे हैं, ये सब जो कारगर होगा चुनाव, मतलब वोट कारगर है, सरकार का जब योजना चलता है तो कारगर होने के लिए चलता है ना, ऐसा नहीं है यार, पुनः हम लोग यहाँ सरकार बनेगा, गठबंधन का फुल बहुमत से बनेगा। अपोजिशन जो है बार बार आरोप लगा रही है कि जो सब जो तमाम है योजनाएं हैं ये सिर्फ वोट लेने के लिए बनाया गया है, सिर्फ झांसे में फंसाने के लिए बनाया गया है, बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। ऐसा तो बीजेपी वालों ने किया भैया, न उसका सरकार है न सत्ता है, वो कौन गोगो दीदी का फार्म बना चला रहा है, न उसमें आधार कार्ड का कॉलम है, न उसमें बैंक अकाउंट का कॉलम है, अब वो उल्टा बोल रहे हैं, हमारी सरकार तो दे रही है 1000 योजना मैया सम्मान योजना का पैसा, और पुनः हम लोग बनाएंगे सरकार, बन रही है फुल बहुमत की सरकार बन रही है। हाँ। तो मतलब पूरा इस विधानसभा की बात करें तो कौन लीड कर रहा है? जीत रहे हैं, लीड नहीं जीत रहे हैं, फुल बहुमत से जीत रहे हैं हम लोग, जीत रहे हैं गारंटी के साथ। 22 नवंबर का नजारा कैसा होगा सो बताइए? नजारा तो उसी दिन दिवाली मनेगा हम लोगों का, अभी दिवाली मना कहाँ है, 23 नवंबर को दिवाली मनेगा जी। अच्छा अभी जो वर्तमान के सीएम है उनका कार्यकाल 5 साल का कैसा रहा? बहुत जबरदस्त, मैंने भाई साहब मैंने तो आपसे पहले बताया कि जनता जाग चुकी है, जनता को लाभ चाहिए, अभी आपने देखा होगा बिजली बिल माफी, मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास, किसानों का लोन माफी, मुख्यमंत्री सृजन रोजगार योजना, बच्चे बच्चियों को छात्रवृत्ति का पैसा, आपने देखा होगा कि सरकार कितना लाभ पहुँचाया जनता का। एक और आरोप लगता रहता है सरकार पर कि युवाओं के लिए रोजगार सृजन ज्यादा नहीं हुआ, न सरकारी नौकरी जो वादे थे कि साल में 5 लाख नौकरियां मिलेगी वो नहीं मिल पाई है, ये बड़े बड़े आरोप लग रहा है जी। ऐसा नहीं है, मोदी जी ने भी कहा था कि मैं इतना रोजगार दूंगा, इतने पैसे खाते में डालूंगा, वो दिए क्या आज तक, डाले क्या आज तक, सब पता है, सब जनता को पता है, सभी को पता है सर, ठीक है। और भी लोग कार्यकर्ता क्या कुछ कहना चाहिएगा इस रैली के बारे में? इस रैली के बारे में 110% मैं कह रहा हूँ कि हमारा पार्टी विजय भवा, मेरा नाम महेंद्र हुआ, मैं अमरवाड़ी पंचायत बारी प्रखंड से हूँ, एकदम विजय भवा, इसमें कोई किसी तरह किंतु परंतु नहीं, पहले फिक्स कर दिया, मैं फिक्स कर दिया नहीं हुआ अभी तक जी, नहीं एकदम कर दिए, फुल फाइनल एकदम कन्फर्म है भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 23 नवंबर का नजारा कैसा होगा? अरे नजारा यहाँ पे, अरे पूरा लातेहार विधानसभा, लातेहार विधानसभा नहीं, ये मैं पूरा स्टेट की मैं बात करता हूँ, जो लातेहार विधानसभा का रिजल्ट रहेगा वो पूरा स्टेट में नहीं रहेगा, वो लातेहार विधानसभा में रहेगा, मैं चुनौती देता हूँ डंके की चोट में। अरे बाबा देखिए जन सैलाब दिख रहा है बाबा, ये जन सैलाब आप देख सकते हैं, आप उधर थोड़ा दिखाइए, आप विजिट करें, आप विजिट करें बाबा, हाँ बोले जाएंगे उधर जी जी, मतलब ये विश्वास जो है जी जी, मैं विश्वास दिलाता हूँ 100% हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम पार्टी 100% जीत है, मैं दावे के साथ डंके के चोट में, खुले मैदान में कर रहा हूँ, मैं डंके के चोट में कर रहा हूँ, मेरा जीत भाई विजय भवा। अच्छा
अच्छा, जो 5 साल का कार्यकाल रहा जी, इस दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा सीएम जी को जी। कैसे देखते हैं इन चीजों को, उनको जेल भी जाना पड़ा, उनको इस प्रकार ईडी का सामना करना पड़ा, कैसे देखते हैं इसका चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे बाबा, ये तो भारतीय जनता का पार्टी का कारनामा है। बताइए कि 3 साल कोरोना रहा, 3 साल कोरोना रहा, 6 महीना उन्होंने जेल में ठूस दिया गया, लेकिन फिर भी 1.5 साल के अंतराल में उन्होंने इतना तेज गति काम करने का प्रयास किया, देखने का बात है भैया। महिला योजना लाए, 50 लाख महिलाओं को उन्होंने, हर एक के खाता में पैसा जा रहा है, 200 यूनिट बिजली फ्री, हर एक महिला जितना भी लोन पैसा लिए हैं 2 लाख तक, वो सारे के सारे माफ। और अभी कैबिनेट में बहुत सारा पास हुआ है, बहुत सारा कैबिनेट में पास हुआ है, जो देखेंगे आप लोग, इसमें कोई किसी किंतु परंतु नहीं है। ये राज्य सरकार बहुत कारनामा सरकार है, बहुत कुछ करके दिखाया और दिखाएगा। जो विपक्ष वाले हैं, बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि घोटाला हुआ है, जो वादे करके आए थे 5 लाख नौकरियां देने का युवाओं को, वो नहीं मिला है, तो इसको कैसे देखते हैं जी? नहीं, अरे बाबा, मोदी जी क्या बोले थे, हर एक महिलाओं के, हर एक युवा लड़का के 15-15 लाख जाएंगे। वो 15 लाख कहाँ गया बताइए ना, वो 15 लाख कहाँ गया बाबा? 2 करोड़ रोजगार, 3 करोड़ रोजगार, वो कहाँ गया? 15-15 लाख हर एक नौजवान के खाते में जाएगा, 15 लाख कहाँ गया बाबा? ये देखिए, हमारे हेमंत सोरेन जो कहते हैं वो करते हैं, कल्पना सोरेन जो बोलती है करती है। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। और भी लोग हैं, आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे कार्यकर्ता होने के नाते? बिल्कुल आ रहे हैं आप लोग, बोलिए बोलिए। हेमंत सोरेन, हेमंत, हमारे हेमंत भैया जीत रहे हैं, एकदम फुल फाइनल है, गारंटी है, मतलब गारंटी अभी दे रहे हैं, अभी हम दे रहे हैं, अभी खुशियां का लहर हम लोग छोड़े नहीं है। आज तेजस्वी यादव आने वाले हैं, ठीक है, कैसा उनका समर्थन है और कैसा स्वागत में, कैसा भीड़ उमड़ा? बहुत भीड़ उमड़ी हुई है, बहुत अभी तो तमाम जन सलाम है, आप आगे आने के लिए बोल रहे थे, आइए आइए आइए। वैसे आपका नाम क्या हुआ, थोड़ा परिचय दीजिए, मेरे कैमरामैन देखिए बढ़िया रहेगा, नाम क्या हुआ? मेरा नाम है मोहम्मद इनामुल अंसारी। मेरा नाम है मोहम्मद इनामुल अंसारी। कार्यकर्ता कोई पद पर है? जेएम काल फंक्शन मुझे प्रखंड सचिव हमें झारखंड मुक्ति। माहौल बन रहा है इस क्षेत्र में? माहौल ये बन रहा है कि झारखंड में हम लोग का सरकार बन रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और लगातार विधानसभा में हम चुनाव भी जीत रहे हैं। और ये जो हेमंत का जो सरकार है, ये गरीबों और अतीमों का सरकार है, समझे ना, ये शोषणकारी का सरकार नहीं है। और जो भी काम कर रहे गरीब के लिए काम कर रहे हैं, और टोटल गरीब लोग इसको हेमंत सरकार का वोट देंगे। ऐसा तो बोल रही है कि घुसपैठियों का सरकार है, ऐसा नहीं है, बांग्लादेश से घुसपैठी एंटर कर रहे हैं। विपक्ष का वो काम है, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, क्या कर रहे हैं आप? घुसपैठियों का, सुनिए क्या बोले, घुसपैठियों का। योगी जी बड़का गांव में भाषण देकर के गए हैं कि घुसपैठिया जो है बुलाया जा रहा है, उनको आश्रम दिया जा रहा है। बताइए केंद्र में किसका सरकार है, केंद्र में किसका सरकार, बॉर्डर में रोकना किसका काम है? केंद्र सरकार को रोकना काम है ना, तो बताइए बॉर्डर में रोकना किसका काम है? बोलते हैं घुसपैठी, बताइए, बस इसको दंगा फसाद कराना इसका काम है, सिर्फ ओनली फॉर दंगा फसाद कराना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, ओनली फॉर दंगा फसाद कराना। आगे बोलिए जी। हाँ, वो कहती है कि हम जो है पार्टी जो मेरा है सबको मिला करके चलती है, सब एकता वाली बात होती है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं जी। नहीं, हम लोग देख चुके, सारा तमाम पब्लिक, ये पूरा स्टेट जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का पीछे क्या कारनामा है, से वो पूरा स्टेट जानता है। ये जिम मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, वो पूरे तमाम झारखंड वासी सब लोग कहते हैं। तो देखिए, ये कुछ बयान निकल के आ रहा है और बताते हैं कि अभी हम बालूमाथ में है, हाई स्कूल मैदान में, और यहाँ आज तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं।